हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे बेरा के बारे में। तो बेरा का फुल फॉर्म पहले बात तो हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। तो बेरा अगर आता है आपके क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे जो कि है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, राइट। सो इसको और क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स या BAER या BAEP, ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्स और पोटेंशियल, ठीक है ना। ब्रेन स्टेम ऑडिटरी मतलब इवोक्ड रिस्पॉन्स और पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ऑडिटरी करके आ गया सबसे पहले, ठीक है ना। तो उसको एक मतलब ए और ई की पोजीशन चेंज कर दीजिए, तो कोई इसका कोई मतलब वो सिग्निफिकेंस उतना नहीं है, लेकिन नाम अलग अलग हैं तो इसको चीज़ें जानना जरूरी है, राइट। तो यूज टू इलिसिट ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलेशन बाई क्लिक ऑन टोन बर्स्ट, राइट। तो क्या होता है, यहाँ हम लोग इलिसिट करते हैं ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सेज को। ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सेज को कैसे इलिसिट करना है कि रिस्पॉन्सेज को कैसे इलिसिट करेंगे, टू ऑडिटरी स्टिमुलेशन बाय क्लिक और टोन बर्स, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्लिक और टोन बर्स देते हैं, राइट। तो इसका उस पर ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, राइट। हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट, हाउ डज द ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्सेज टू द ऑडिटरी स्टिमुलेशन दैट वी प्रोड्यूस, ठीक है ना, बाय क्लिक और टोन बर्स। तो उसी को कहते हैं बेरा। इट इज़ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, पहली बात ये नॉन इन्वेजिव है। बहुत सारे इन्वेजिव टेस्ट होते हैं तो, लेकिन ये नॉन इन्वेजिव है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, ये कैसे कैसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, ठीक है। तो ये आपके MCQ के सवाल बनते हैं बेसिकली। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉकलियर रेट्रो कॉकलियर हियरिंग लॉस, ये कॉकलियर और रेट्रो कॉकलियर हियरिंग लॉस को डिफ्रेंशिएट करने काम आता है। फाइंड आउट हियरिंग लॉस इन इन्फेंट्स, ये हियरिंग लॉस इन्फेंट्स में यूज एसेस करने के लिए आता है। स्क्रीनिंग नियोनेट्स इन ICU, ICU में जो नियोनेट्स उनमें स्क्रीनिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉकलियर हियरिंग लॉस इन्फेंट्स, नियोनेट्स इन ICU। रेट्रो कॉकलियर हियरिंग लॉस कौन सी होती है, अकॉस्टिक न्यूरोमा, आप लोग जानते हो, ठीक है। इन द इंटरनल अकॉस्टिक नियेटस वेस्टिबुलर ओरिजिन होता है श्वान सेल से, ठीक है ना, इन द वेस्टिबुलर नर्व से। और मेलिंगरिंग केस में जो कि नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस है, तो उसके भी केसेस में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसके लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, राइट। वेव्स ऑफ बेरा, बेरा की 6 वेव्स होती हैं बेसिकली। तो 6 वेव्स का नाम क्या है, पहली तो कॉकलियर नर्व से डिस्टल पार्ट, ठीक है ना। हम लोग अपने जैसे मान लें कि प्रॉक्सिमल अपना ब्रेन हो गया और डिस्टल अपना कान हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे तो कॉकलियर नर्व डिस्टल पार्ट आएगी, फिर कॉकलियर नर्व प्रॉक्सिमल पार्ट आएगी टुवर्ड्स द ब्रेन स्टेम जो है, ठीक है। फिर कॉकलियर न्यूक्लियाई आएगी ऑब्वियसली, ठीक है, नर्व है तो न्यूक्लियाई भी होगी। फिर इसके बाद आता है SLI, ठीक है, SLI को याद कर लेना, ठीक है ना। तो सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस आएगा, फिर लैटरल लेमिनिस्कस आएगा जो कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट वेव होती है, फिर इंफीरियर कॉलिक्यूलस आएगा, राइट। तो ये वेव्स के नाम हो गए, 6 वेव्स होंगी, 6 वेव्स के नाम हो गए, ठीक है, इसी से डिराइव कर लेना। क्या कॉकलियर नर्व डिस्टल, कॉकलियर नर्व प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स दैट रन्स टुवर्ड्स ब्रेन स्टेम, फिर कॉकलियर न्यूक्लियाई नर्व है तो न्यूक्लियाई भी होगी, फिर ऐसे सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, फिर लैटरल लेमिनिस्कस, फिर इंफीरियर कॉलिक्यूलस, राइट। सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है ना, एक ओलिव वाला होता है और फिर आता है आपका लेमिनिस्कस आता है, सुपीरियर और लैटरल लेमिनिस्कस, लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट वेव, और ये इंफीरियर कॉलिकुलस, राइट। लेटेंसी क्या होता है, बेसिकली टाइम वो होता है जो टाइम पे हर एक वेव आती है, टाइम एट विच ईच वेव अपीयर। तो डिफेक्ट अगर इनर ईयर में हो गया तो जो वेव वन होगी वो अपीयर जो करेगी लेट करेगी, ठीक है ना, वो लेट अपीयर करेगी। अगर लेटेंसी हो गया 1 और 3 वेव के बीच में, वहाँ पे अगर लेटेंसी हो गया तो वेव प्रोपेगेशन तो डिक्रीज हो जाएगी, और लीजन्स कैसे होते हैं, ट्यूमर के जैसे लीजन्स होते हैं, राइट। तो इनके बीच में लेटेंसी बढ़ा तो लीजन्स लाइक ट्यूमर हो जाएंगे, वेव प्रोपेगेशन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और डिफेक्ट अगर इनर ईयर में रहा तो वेव वन अपीयर जो है लेट करेगी, ठीक है, क्योंकि कॉकलियर नर्व है डिस्टल पार्ट में। तो अगर वहाँ पे इनर ईयर में ही डिफेक्ट हो गया तो वेव वन ऑब्वियसली नीचे आएगी, ठीक है ना, लेट आएगी, ठीक है ना। तो लेटेंसी अगर 1 और 3 में बढ़ गया तो वेव प्रोपेगेशन भी बढ़िया डिक्रीज हो जाएगी। 1 और 3 मतलब कॉकलियर नर्व से कॉकलियर न्यूक्लियाई में जाने में उसको समय लग रहा है, तो लीजन्स हो जाएंगे ट्यूमर के जैसे। एकॉस्टिक न्यूरोमा बेरा पे कैसा दिखता है, इंक्रीज लेटेंसी बिटवीन वेव 1 एंड वेव 5, ठीक है ना। तो वेव 1 और वेव 5 के बीच में यहाँ पे लेटेंसी बढ़ जाती है, इसको याद करना है, इंटर ऑरल लेटेंसी ऑफ वेव 5, ठीक है ना, यहाँ पे इंटर ऑरल लेटेंसी ऑफ वेव 5 हो जाती है।
जो कि 0.2 मिलीसेकंड से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वेव फाइव में इंटरऑरल लेटेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही बात रही कुछ बेरा के बारे में, आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी सबसे मेन खास बात है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है कॉकलियर रेट्रो कॉकलियर हियरिंग को, और इसकी लेटेंसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ये मतलब कि किसका केस है, ठीक है ना। और स्टीरिंग के लिए यूज़ करते हैं न्यूनेट्स को आईसीयू में, और हियरिंग लॉस को हम लोग एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं इन्फेंट्स में मैलिंगरिंग के लिए, और रेट्रोकॉक्लियर हियरिंग लॉस को एसेस करने के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए।